तो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड हम लोग आ चुके हैं एक और एपिसोड के साथ। तो आज हम लोग बताने वाले हैं सुप्रिया फॉर्म तुम कैसे यूज़ कर सकते हो और इसका सीट तुम्हें कहाँ मिलेगा। ओके, एंड सब कुछ मैं डिटेल्स में तुम लोगों को बता देता हूँ और कैसे तुम जल्दी जल्दी फार्म करके फार्म कॉइन अर्न कर सकते हो। तो वहाँ पर कोई है क्या? हाँ, म्यू नाम का कोई है। ओके, फॉरगेट कौन बंदा खड़ी है शायद, तो आ गई वीडियो में, कोई बात नहीं। तो शायद वो मेरे फार्म के लिए आई होगी क्या, नहीं पता नहीं क्या कर रही है वहाँ। तो कछरो, तो उधर नहीं देखते हैं। ओके, तो जो मैं बता रहा था कैसे तुम फार्म को यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमको फैसिलिटी में जाना है। आई थिंक फैसिलिटी में ही होगा वो फार्म वाला ऑप्शन, नहीं यार आइटम में होगा। ओके, तो आइटम में जाना है। कहाँ चला गया भाई तू, आइटम में तो यहीं पे तो था। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो फैसिलिटी में क्लिक करना है जहाँ पे तुम्हें इस को देखने को मिलेगा। ओके, जो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तुम अच्छे से देख लो। एंड यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कुछ सुपीरियर फार्म। तो सुपीरियर फार्म बनाने के लिए तुमको चाहिए क्ले, एंड उसके बाद चाहिए तुम्हें रूने स्टोन, और उसके बाद चाहिए थोड़ा बारीक बारीक। तुम्हें एक क्ले को स्मेल्ट करने के बाद बारीक मिल जाएगा, और वैसे TH में भी बाई कर सकते हो। तो इसके बाद तुम्हें बना लेना है जितना चाहे तुम, जितना इसका लिमिट है उतना बना लो। तो मैंने ये 6 टो बना चुका हूँ, एंड इसलिए मैं नहीं बनाने वाला। ओके, तो वापस नहीं बनाना है, मतलब फालतू में क्यों बनाएं, हैं वेस्ट क्यों करें। तो तुमको बनाना है। ओके, तो तुम सही से बना लेना, हिंदी समझते हो तो बना पाओगे। उसके बाद तुम्हें ए भी बना लेना है। ओके, ए वाला देख लो, तीसरे में से पहला वाला। ओके, इसमें पहला वाला तुमको बना लेना है। उसके बाद तुम्हें ये बनाने के लिए तुमको बाद में तुम कर पाओगे, अभी तुम अगर न्यूबे हो तो तुम्हें ये नहीं बनाना नहीं आएगा। तो अभी ये बना लोगे तो सब सीख जाओगे, तो इसको बना लेना है। एंड इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इन सुपीरियर फॉर्म बना लेना है 5-6 टो, तुमको जितना हो सके तुम बना लो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखना है कि एक ठो बनाना है। ओके, ये वाला फार्मिंग मशीन है। ओके, तो ये बनाने के बाद, तो ये जब दोनों बन जाता है उसके बाद तुम्हें जाना है अपने उसको प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको पहले से प्लेस करके रखा है, एंड मेरा कुछ फार्म भी देख सकते हो मैंने बना के रखा है। तो तुम सोच रहे थे कि मैं झूठ बूट बोल रहा हूँ, नहीं यार मैं झूठ नहीं बोलता। ओके, चोरी बोरी करता हूँ। ओके, तो चोरी भी करना होगा, अभी दिखाएंगे तुमको। तो यहाँ पे हो गया मेरा ये फार्म है, एंड ये मैंने कहाँ से लिया तो मैं तुमको भी बता दूंगा मैंने कैसे लिया है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये वाला जो चीस्ट मैंने तुमको बनाने के लिए बोला, ये चीस्ट हो तो ये कुछ नहीं काम करता, ये बस तुम्हें मतलब ये चीस्ट हो देता है एक फार्मिंग वाला मशीन। एंड जैसे कि देखो फार्म मार्केट मुझे जाना है इसीलिए, तो यहाँ से तुम चीज़ें खरीद सकते हो। ओके, तो यहाँ से क्या है कि ये ऑटो मैनुअल फंक्शन है जिसमें अपने आप फर्टिलाइज़र को स्प्रे करता है। फर्टिलाइज़र तुम जानते हो, अगर खेत वगैरह के थोड़ा भी नॉलेज होगा तो खेत में अगर कीड़े वगैरह या ये करने के लिए मतलब कि जो पेड़ वगैरह पौधे हैं उनको जल्दी ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो बिल्कुल वही है फर्टिलाइज़र, और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे होता है कि देखो यार ऑटो फार्मिंग, यहाँ पे तुम्हें फर्टिलाइज़र वगैरह देना होता है, तो थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो फार्मर मार्केट है वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हो जो बीज हम लोग खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सिकल है तुम देख सकते हो, ये चीज़ तो तुमको चाहिए। ओके, एंड 200 में मिलता है एक, और ये बहुत ही रेयर है तुमको मिलना भी। एंड इसके लिए तुम्हें कॉइन चाहिए, ये देख सकते हो मेरे पास अभी 150 कॉइन है। एंड अभी देखो ये वाला चीज़। ओके, तो फार्मर शॉप मैंने तुमको दिखा दिया कि ये सीड वगैरह है जिसको तुम बाय करके लगा सकते हो सुप्रिया फार्म में, और जितना हाई क्वालिटी का सीड होगा उतना अच्छा चीज़ें मिलेगा तुमको। और यहाँ पर होगा फ्रूट वेजिटेबल रिसाइकलिंग। ओके, तो रिसाइकलिंग मतलब ये वाला कुछ ट्रेड टाइप का है, बट तुमको रिसाइकलिंग यहाँ पर लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ट्रेडिंग का ही है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो दोनों है, इसमें है तुम्हारा सीड, यहाँ पे है फ्रूट। तो फ्रूट मतलब जो सुपीरियर फार्म से तुम्हें जो फ्रूट मिलता है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे जो एक चीज़ तो येलो जेड है, मतलब ये सब चीज़ें फ्रूट है। तो इस फ्रूट को तुम अगर देते हो, तो अगर एक फ्रूट में यहाँ पे देता हूँ तो मुझे कम से कम एक फ्रूट में मिलेगा 95 फार्मिंग कॉइन, तो फार्मर कॉइन। तो अगर मैं एक फ्रूट को यहाँ पे देता हूँ एंड 95 फार्मर कॉइन मिल जाएगा, तो अभी मुझे ये फ्रूट कहाँ मिलेगा, मेन पॉइंट है यहाँ पे, मुझे फ्रूट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं अभी। तुम अगर न्यूबे हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, एंड तुम सोचोगे कि ये फ्रूट मैं लाऊँ कहाँ से। तो कुछ नहीं यार, दोस्त या किसी के भी घर पर जा सकते हो जिसके घर पर फ्रूट वगैरह हो, जैसे कि कोई फ्रूटियर फार्म पहले से फार्म किया हुआ है, एंड अभी बहुत सारे बंदे को मिल जाएगा। तुम्हें कहाँ जाना है मैं बता दे रहा हूँ, किसी के भी बंदे के घर पे जाना है और उसके घर पे जाके मतलब
सर्च करना है। तुम्हें पहले तो इधर उधर सर्च करना है किसके घर पे ये सुप्रिया फार्म लगा हुआ है, एंड उसके घर पे जाके बाकी की चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। ओके तो अभी मैं यहाँ पे THP हूँ, तो मुझे जाना है। ओके एंड मुझे किसी के घर पे देखना है कि कोई सुप्रिया फार्म कर रहा है कि नहीं। तो अभी मैं अपने मेन आईडी से हूँ, एंड मेन आईडी से मैं किसी घर पे चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी दिखाना पड़ता है। तो मेरे पास अभी 10 सिकल है। ओके तो यही चीज़ तो मेन है कि किसी के घर पे अगर चोरी करना है तो ये चीज़ें चाहिए। अगर तुम इसको रीड करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा होगा, एंड यहाँ पे लिखा होगा कि यूज इट ऑन सुपीरियर फार्म टू स्टील वन मैच्योर क्रॉप। माने मैच्योर क्रॉप मतलब जो क्रॉप मैच्योर मतलब कुछ देर बाद ही या वो हो चुका है, ग्रोथ हो चुका है, फुल ग्रोथ हो चुका है, उसको तुम क्रॉप कर सकते हो, दूसरे से चोरी करके ले सकते हो। मतलब उसका नुकसान नहीं होगा, उसका मतलब जो ग्रोथ है वो फिर से लो में चला जाएगा, मतलब जैसे कि वो फिर से उगने वाला वो टाइम हो जाएगा उसका, एंड वो हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको चोरी करेंगे। तो यहाँ पे मैं जी आ चुका हूँ, एंड इसी के आसपास में किसी घर पे है। तो यार रिपोर्ट विपोर्ट मत कर देना कि मैं चोरी वोरी करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से मुझे ये आइडिया आया कि मैं किसके कैसे जल्दी से जल्दी फार्मिंग कॉइन ले सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। भाई तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है यार, लाइक ठोक दो। एंड भाई अभी रायु का बनेगा चोर तो यार क्या कर सकते हैं, अभी वीडियो बनाने के लिए चोरी तो करना ही होगा। तो यहाँ पे इस बंदे के घर पे मैंने देखा कि हाँ सुपीरियर फार्म है। ओके और रेडी भी था। तो कहाँ चला गया, इस बंदे के घर पे था यार? नहीं यार, गलत घर आ गया, हम गलत रूम में गलत घर पे आ गए। अरे भाई साहब फुल गलत भूख गलत घर। तो यहाँ पे मैंने कौन सा वाला घर पे देखा यार, मैं खुद भूल गया। तो ओ सॉरी सॉरी, उसके आगे वाले वो घर पे था। ओके तो मैं आया सही था, मैं बट गलत रूम घर पे गया था। ओके तो आया सही था, बट मैंने दाएँ वाले घर पे ले लिया, मुझे लेफ्ट वाले लेना था। ओके तो जल्दी चल रहे बाबा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, एंड इसी के घर पे हम लोग लूटेंगे। अभी देख सकते हो इसके घर पे सारे मैच्योर फ्रूट है। ओके एंड देख सकते हो मैच्योर फ्रूट कैसे पता चलता है, ये पूरा मतलब जब ग्लो करता है तब मैच्योर फ्रूट होता है। एंड देख सकते हो जो ग्लो कर रहा है, एक्चुअली जो पूरा ग्लो करेगा, हाँ ऐसे जैसे देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, थोड़ा सिल्की विल्की हो रहा है, तो ये वाला मैच्योर है। एंड तुम्हें क्या करना है, जो जो मैंने कहा था इसको हटा दे रहे सब कुछ, तो तुमको देखने में ईजी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये जो वो हटाया। ओके एंड बाकी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, एंड इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से साइड कर दे रहा हूँ, तो तुमको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ यही चीज़ है। ओके तो अब इसको क्या करना है, फार्म पे क्लिक करना है, उसके बाद एक चीज़ को क्लिक करना है। देख रहा हूँ मैंने इसको क्रॉप कर लिया। ओके तो ब्लैक कॉन्टिलर तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है, एंड मिनिमम 70, एक से मुझे 70 कॉइन मिल जाएगा फार्मर कॉइन। तो मुझे यही चीज़ तो तुमको भी ढूंढना है कि कौन सा वाला ज़्यादा महंगा है, और उसके बाद उसको जाके चोरी करना है। ओके तो यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर से मैच्योर नहीं है, ये भी मैच्योर नहीं है, चलो मिल गया। जो मैच्योर है वो जल्दी से जल्दी हो मिल जाएगा। ओके यार हाथ छोड़ के क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैं फार्म को क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को क्लिक करता हूँ, तो फिर फार्म को क्लिक करता हूँ, एंड उसके बाद एच इस्ट। ओके तो अब ऐसे ऐसे जिस जो मैच्योर हो जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लो होगा, उसी को तुम ले सकते हो। ओके एंड क्योंकि वो अभी उठाने के लिए है, एंड तुम जाके उसको चोरी कर रहे हो, तो इस बंदे ने कोई घेरी वेरी नहीं लगाया, क्योंकि बाकी लोगों ने तो पूरा सेफ्टी लगा के रखा है कि कोई चोरी ना कर सके। और एक बात है, तुम ऐसे भी ले सकते हो। ओके वो चोरी करने के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर तुम शॉर्टकट मतलब नहीं अपनाना चाहते हो, तुम वेट फार्मिंग कर सकते हो अपने फार्म में। ओके तो नॉर्मल फार्म में वेट फार्म करना, उसमें क्या होगा कि तुम्हें चोरी करने का ज़रूरत नहीं होगा। ओके तो मैंने कैसे दिखा दिया तुमको कि दूसरे के घर पे जाके तुम कैसे ले सकते हो, एंड अभी हम लोग मेन पे आ जाते हैं। अब बाकी की चीज़ें बाकी दिखाते हैं, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो तुम लोगों ने देखा कि मैच्योर क्रॉप्स को कैसे चोरी करते हैं। ओके एंड इसको चोरी करने के बोले हो या कुछ भी। ओके ठीक है, चोरी किया मैंने। हाँ तो चलो, चोरी जो किया हम लोगों ने तो उसको बेचेंगे, अब देखेंगे उसको कैसे करते हैं। ओके तो यहाँ पे तुम जब इसमें मशीन में आओगे, एंड जो फार्मिंग हम लोगों का मार्केट है वहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि तुम देख सकते हो, जिसको तुमको मैंने बनाने के लिए बोला। ओके फार्मिंग बनाने के लिए बोला, तो यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना है। अरे यार मैं ओके फार्मिंग मार्केट
फार्मिंग मार्केट में क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जाना है, ओके, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल रिसाइकिल, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा चीज़ जो फ्रूट तुम वहाँ से उठाए थे, ओके, चोरी किए थे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो यार, जो फ्रूट है यहाँ पे ब्लैक लिखा है, ओके, ब्लैक के लिखा है, कौन कॉन्टलूफ, ओके, तो ऐसा कुछ है, ओके, कुछ फ्रूट, ये जो कुछ तरबूज जैसा देखने को मिलता है जो भी कल ब्लैक कलर का, तो यही चीज़ तो हम मैंने उस फार्म से उठाया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आएंगे फार्मर मार्केट में। एंड यहाँ पे देख सकते हो बीच वाला जो है, तो यहाँ पे वही वाला है, तो एक तो मैं अगर बेचता हूँ तो 95 का भी मिलता है, तो अभी मैं इसको, मैं जितना है मेरा मैं सब दे देता हूँ और देखते कितना मुझे मिलता है। 14, ओके, तो 14 मैंने यहाँ पे बेच दिया, तो 14 बेचने के बाद मुझे मिल गया 1480। तो वहाँ से मैंने चोरी किया था मिनिमम 20, तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे देखो मुझे मिल गया 1480। तो इतना जल्दी मैंने 1000 से ज़्यादा कॉइन कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि तुम इसको क्या, अब क्या करना है, अभी तुमको अब सीट खरीदना है, ओके, तो कौन सा सीट खरीदने में ज़्यादा अच्छा होगा, तो अभी जब न्यू है तो तुम यही वाला खरीदो एंड थोड़ा थोड़ा करके अर्न करो, जैसे कि मैंने अभी किया, ओके। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लांट को लगाया, तो तुम भी यहाँ पे लगाना, और उसके बाद प्लान लगाने के बाद तुम यहाँ पे करना क्या है, तुमको जस्ट इसको क्लिक करना है और तुम्हें चीज़ें मिल जाएगा, ओके, येलो जेडे 2 दो ठो करके मिला है मुझे अभी, अभी 1 ठो 3 मिला और अभी और ज़्यादा मिल रहा है, ओके, एंड अब 4 मिला। तो एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम्हारे पास हगी है, हगी मतलब हगी बियर, और जो ये बियर वाला, ओके, पेट में जो हगी बियर होता है, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं नहीं दिखा पा रहा, तो अगर तुम लोगों के पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास एक स्किल है कि वो अगर लेवल 3 या साइज 4 होगा, उसमें एक स्किल आता है कि जब तुम कोई हार्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें डबल मिलता है उसमें, मतलब कभी कभी क्रिट डैमेज होता है, क्रिट लक, जिसको क्या बोल क्रिट लक बोल सकते हो, जैसे कि मैंने 3 उठाया वो 6 हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है, ओके। तो उसको तुम्हें हगी को बाय करना है, और अगर तुम फार्मर बनना चाहते हो तो तुम्हें हगी चाहिए ही चाहिए, कि वो बहुत फ़ायदेमंद है, ओके। तो अभी मैंने तुमको बता दिया कैसे तुम न्यूबे से फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो लोगों से ले आने के बाद, तो जैसे कि मैं मुझे मिला 1400 मिनिमम फार्मिंग कॉइन, तो तुम भी ऐसे ले सकते हो, ओके, एंड बहुत इजी है। तो जैसे मुझे हो गया, और अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि कोई भी सीट तुम बाई कर सकते हो यहाँ से, तो 300 में अगर मैं ये फ्रूट सीट बाई करता हूँ तो 1 मिलेगा, तो उतना महंगा मुझे नहीं लेना है, एंड मैं थोड़ा कम महंगाई वाला ले लेता हूँ, तो मैं इसको 5 सीट ले लेता हूँ, दो ये नहीं या 10 सीट लेता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे 500 में 10 सीट ले लेता हूँ, उसके बाद जाके फिर से लगा देता हूँ। एंड लगाने के बाद तो यार लगाना बहुत ईजी है, बस इसको क्लिक करो, सीट को पहले अपने यहाँ पे लगा दो, कहाँ चला गया भाई सीड, तो चलो यहीं कहीं तो था, अरे भाई कहाँ चला गया, एंड कहाँ चला गया, ओके, तो यहाँ तो था, यहीं था, यहीं था, यहीं था, कहीं सेट सेट में लग गया क्या, पैकेट होता है ना वो चीज़, तो पैकेट में होता है, ये देखो मिल गया, ओके। तो 10 तो मैंने जो ELA JD लिया था उसका हो गया, एंड अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसको सेट कर देंगे, ओके, एक, एंड फिर से यहाँ पे, ओके, और फिर से यहाँ पे एक और, तो ऐसे तुम फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फर्स्ट फार्मिंग करने के लिए, इसको तुम्हें नॉलेज देने के लिए तुमको थोड़ा हाई लेवल का अपर लेवल में जाना होगा, कि ये तो जस्ट न्यूवे के लिए था, ओके, अब अपर लेवल में जाने के लिए तुमको अब से स्टार्ट करना है, तो जो जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फार्मिंग करना चाहता है, अर्न करना चाहता है फार्मिंग कॉइन, उन लोगों के लिए अब स्टार्ट होता है वीडियो। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कैसे करना है, जैसे कि मैंने अभी फार्म किया ना, तो मुझे एक और डमी चाहिए इस अकाउंट में, मतलब इसी फार्म से मुझे उठाना है, ओके, उठाना मतलब क्या है कि इसमें बग टाइप का लग जाएगा, तो दूसरे का मतलब दूसरा आईडी से मैं कर सकता हूँ उसको रिमूव। तो जैसे मैं दूसरा आईडी से करूँगा तो मुझे चीज़ें मिलेगा, कौन सा चीज़ें मिलेगा, जैसे कि कोई भी फार्म होगा मुझे ए वाले चीज़ तो ज़्यादा मिलता है, ओके, तो ए वाले चीज़ तो देख लो यार, श्री वेल्डेड सीड लिखा है, ओके, तो यही चीज़ तो ज़्यादा मिलता है, एंड इसी को तुम्हें यहाँ पे एक्सचेंज करना है, और उसके बाद बाकी फार्मिंग कॉइन से कलेक्ट करना है। तो अगर तुम्हारे पास कोई डमी अकाउंट है तो तुम उसमें से आके इसको फार्मिंग में क्लिक करके इस सीजर को यूज़ करना, ओके, ये जो सीजर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा लिस्ट में है, ओके, तो मैं इसको सीजर को भी दिखा दूँ, तो इस सीजर को बनाने के लिए तुमको इजी है, ओके, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, एंड यहाँ पे तुम सीजर को बना सकते हो। तो यहाँ पे सीजर को बनाने के लिए वुड प्लैंक और ये चाहिए,
एंड यहाँ पे देखो, ओके तो यहाँ पे वुड प्लैंक चाहिए, ओके जो रेसियन और ये से बनता है, और एक करके कॉइन। तो मिनिमम 20 टो 30 टो 40 टो जितना तुमको सीजर बनाना बना लेना, डमी को दे देना है। उससे क्या है कि जब भी तुम्हारे खेतों में कुछ होगा तो वहाँ पे यहाँ पे फर्टिलाइज़र और रिप्लेसमेंट देना है। मतलब फर्टिलाइज़र और रिप्लेसमेंट भी बता दूँ शॉर्टकट में, जैसे कि तुम्हें फर्टिलाइज़र पौधों को ग्रोथ करने के लिए देना पड़ता है, और जो रिप्लेसमेंट मतलब जो दिखा है ना रिप्लेसमेंट, ओके मतलब ये जो कीड़े वगैरह मारने के लिए है, ओके तो जैसा जैसा तुम्हारा होगा तो वैसे ही तुम इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें क्या होगा, तुम प्लांट में जाके क्लिक कर देना, कीड़े मर जाएगा, और कीड़े मरने से क्या होगा, तुम्हारा प्लांट जल्दी ग्रोथ होगा और उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा भी, जैसे कि मैंने तुमको दिखाया था एक वाला चीज तो मिलेगा, जैसे तुम कोई कीड़े वगैरह मारोगे किसी के प्लांट का या खुद का, तो तुम्हें ये वाला चीज़ तो मिलेगा, तो जिसमें तुम ट्रेडिंग में 10 कॉइन मिलेगा। तो अगर तुम 30 टो फार्मिंग बेस यहाँ पे लगा देते हो, और 30 टो में अगर 30 टो करके तुम्हें मिलता है, तो 30 टो सीफेट मतलब 300 करके पर डे तुम आराम से पर डे 300 से ज़्यादा कर सकते हो। एंड 300 से ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ तो बेच के मिल जाएगा 300 कॉइन, और 300 कॉइन मतलब, और बाकी के चीज़ें जो लगाओगे तुम उससे भी मिल जाएगा। एक और बात बता दूँ, जैसे कि मेरा ट्रेडिंग है ये सबका सेम नहीं होता, ओके जैसे कि अभी ये मिलन में देखो या रेड वाला जो मार्क है, ओके नीचे वाले में है, नीचे थोड़ा सा देखो साइड में 10 कॉइन लिखा है ना, उसके बाद नीचे किया हुआ है, इसका मतलब इसका प्राइस बहुत लो है मेरे फार्म में, और दूसरे का अगर जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, इसलिए मेरा प्राइस यहाँ पे लो है, इसलिए इसका एरो नीचे है, अगर ज़्यादा है तो ऊपर होगा, तो समझ आए ग्रीन एरो ऊपर होगा। तो इसमें से तुमको ध्यान देना है कि मैं अगर कोई भी चीज़ बेचता, अगर मेरे पास एक क्रिस्टल मिलन है, ओके क्रिस्टल मिलन अगर मेरे पास है तो मैं दूसरे का जाके रिडीम करूँगा, अपने दोस्त वगैरह से पूछूंगा कि तेरे पास फार्मिंग है, उसके पास जाके देखूंगा कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो फिर भी बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, नहीं तो यार तुम्हारा लॉस होगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो हाई है तो मैं इसी में बेचता हूँ, और जैसे कि मैंने अभी येलो जेडे अभी लिया था, तो मैंने टोटली कितना अभी 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 जो फार्मिंग से मैंने उठाया था वो मुझे टोटली मिल गया था 5 में से 19 मिला, तो 19 मिला है, ओके तो यहाँ पे मैं 19 टो क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहर जाके 19 टो को यहाँ पे सेल में लगा देता हूँ, ओके तो यहाँ पे 18 से है, मतलब बाकी लोगों के पास 19 भी मैंने देखा है, तो जिसके पास ज़्यादा होगा उसमें जाके तुम कर सकते हो। मैं लोगों के घर जाके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे कि भाई यूट्यूब बना लेंगे चोरी बड़ी कर रहा है। तो 19 टो में अगर बेचता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, ओके तो जो चलो 18 रुपीज़ करके 19 टो में 1322 हो चुका है मेरा कॉइन। तो बिल्कुल ऐसे तुम फार्मिंग का इंजॉय कर सकते हो, एंड डमी से यूज़ करो, डमी यूज़ करो दोनों डमी से, मतलब इस डमी से तुम उठाओ, उस डमी से साफ बाफ करो, एंड दोनों में से तुम्हें दोनों डमी को लगातार यूज़ करना होगा, कि जैसे कि मैंने इस डमी से फार्मिंग लगाया है, मैं दूसरे डमी से इसको जाके साफ करूँगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर मैंने इसी डमी से इसको किया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मैं दूसरे डमी से यूज़ करता हूँ तो इसके मुझे मिलता है, ओके तो एक डमी से मतलब एक अकाउंट से तुम 10 मिनिमम लिमिट है, 10 कर सकते हो कलेक्ट डे में, पर डे 10 करके कलेक्ट कर सकते हो, ये वाला जो चीज़ मैंने तुमको दिखाया था सी हट, ओके एंड अगर ये मिलेगा कैसे ये भी बता देता हूँ, ये वाला चीज़ तो ओके तुम्हें 10 करके मिलेगा, ये वाला जो है ना श्री वेलेटेड सेड, ओके एंड ए वाला चीज़ तुम अगर नॉर्मल फार्मिंग करते हो, जैसे कि ए वाला खेत मेरा नॉर्मल है, ओके तो इसमें मैंने सोयाबीन लगाया था, तो इसमें तुम्हें लगाना है वेथ चेस्ट, ओके तो वेथ लगाना है, ओके वेथ मतलब अरे यार तुम्हें गेहूं वाला, तुमको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, गेहूं का जो है उसको लगाना है, मेरे पास है गेहूं का सीड, तो गेहूं वाला सीड मेरे पास है नहीं है, उसको वेथ बोलते हैं, ओके एंड या वेथ कुछ भी, तो यहाँ पे है मेरे पास, ओके चलो मिल गया, तो यहाँ पे मुझे मेरे पास है, तो इसको सीड इसी इसको लगाना है, और इसको जब तुम अपने अकाउंट से करोगे तब तुमको 1-2 शायद मिलेगा, तो उसमें ट्रेड करके भी कर सकते हो, एंड उसमें ज़्यादा लेट होगा आई थिंक, इसलिए मैंने ये दूसरा तरीका बताया कि लोगों के घर से स्टील कर सकते हो, एंड अच्छा होगा भाई अपना काम बनता तो भाई मुझे जानता वही वाला बात है कि भाई अपना काम तो बन गया ना, सीड मिल गया, चीज़ें मिल गया, अब अपना फार्मिंग करो आराम से, जितना चाहे तुम फार्मिंग करो, एंड तुमको बता दिया, ओके यार और कुछ बताने का है नहीं, और कुछ अगर जानना है और तो अपना आइडिया लगाओ भाई, फार्मिंग मेरा काम नहीं है, ओके फार्मिंग तुम्हारा काम है, एंड आइडिया तुम लगाओ जितना हो सके, तभी तो गेम खेलना सीख पाओगे।
सब कुछ मैं बता दूंगा, तो भाई कैसे खेलना सीखोगे? तो आइडिया तुम लगाओ और दिखा दो अपना गेमिंग स्टाइल, कितना अच्छा तुम कर सकते हो फार्मिंग। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। एंड कुछ अगर जानना है तो फिर से कमेंट कर देना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।